फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द ग्लैम कनुप्रिया। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, दैट इज मेरे बाल क्यों नहीं झड़ते। मेरे बालों में मैं ऐसा क्या लगाती हूँ जो इतने हैवी, लाइक बाउंसी और झड़ते भी नहीं है। तो सबसे पहला सीक्रेट है, मैं अपने बालों में ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, पर वीक मैं ऑयलिंग करती हूँ प्रॉपर, जैसे मैंने अभी किया हुआ है और थोड़ा सा मैं कर रही थी। तो आई थॉट टू शेयर विथ यू, आपको मेरे जैसे ऐसे बाउल के अंदर ऑयल लेना है। मैंने दो ऑयल मिक्स किए हैं, सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल। ओके, मैंने ये दो तेल मिक्स करके रखे हैं ऑलरेडी और मैं इस तेल को लगा रही हूँ। आपको रूट्स में लगाना है प्रॉपर, आपको रूट्स में लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ पूरे रूट्स में, पूरे बालों में आपको अच्छे से ऑयल लेके आपकी पूरी मसाज करनी है। अब ये मसाज से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा पूरे बालों में और इसकी वजह से आपके बाल झड़ते हुए या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उसको वो कर सकते हो, हटा सकते हो। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, आपको ये भी शेयर करूँगी। सो माई डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अभी मैं वॉश करके आई हूँ आप हेयर्स आप देख सकते हैं, और मैंने वॉश किया है इस शैम्पू से। दिस इज़ अ नाइल शैम्पू, सी नाइल। एक्चुअली ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, इसमें नीम भी है एंड ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट की वजह से क्या है, इसमें केमिकल्स कम हैं, ये नेचुरल ज़्यादा है। और अगर आप सोचें कि मैं स्पॉन्सर वीडियो कर रही हूँ तो ये नहीं है ऐसा, क्योंकि ये मैं अपने पैसों से ख़रीद के लाई हूँ एंड ये आपके बालों के ड्राइनेस को दूर करता है। इसका एक्चुअल फीडबैक बहुत अच्छा है और मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो 2 साल से आप मेरे बालों में बहुत अच्छा इफेक्ट मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई हैव वॉश्ड माई हेयर्स एंड आपको बाल धोने के बाद सबसे पहले आपको ऐसे 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 साफ़ नहीं करना है, आपको प्रॉपरली आराम आराम से टैप टैप करके मतलब अपने बालों को सुखाना है। मतलब आपको इसे रब नहीं करना, आपको प्रॉपर टैप करना है, जिसकी वजह से आपके बाल गीले हो के कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, तो वो टूटेंगे नहीं। सो माई डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपके शैम्पू में पैराबिन फ्री होना चाहिए। पैराबिन फ्री मतलब जो केमिकल्स आपके बालों को नुकसान करते हैं वो आपके शैम्पू में नहीं होने चाहिए, जो कि इस शैम्पू में बिल्कुल नहीं है। ये पैराबिन फ्री है और ये आपके बालों के पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ एक मैं हेयर मास्क भी बनाती हूँ एवरी संडे, और आपको वीक में सिर्फ 2 बार बाल धोने हैं, 2 टाइम्स। ओके, और 2 बार धोने ज़रूरी हैं क्योंकि आपके बाल जिससे क्लीन रहे, क्योंकि आपको स्वेटिंग ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से आपके बालों में भी लाइक सॉल्ट लेवल भर जाता है। ओके, सो जो आपका, मैं संडे को मेरे लिए हेयर मास्क बनाती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं वो मैं किस चीज़ से बनाती हूँ, क्योंकि उसके इन्ग्रीडियंट्स आप देखेंगे उससे आपका हेयर गेन भी होगा, साथ में आपके बाल लंबे भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ मेड अप ऑफ मेथी दाना एंड मेनी मोर थिंग्स, आई विल शो यू। ओके, सो फॉर टुडेज़ वीडियो माई गर्ल्स, अपने बालों का ध्यान रखें, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो मेरी इस ट्रिक को फॉलो करें, कैसे ऑयलिंग करनी है, कैसे आपको वॉश करके क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आप उसको ध्यान रखें। सो विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, डू कमेंट योर नेम इन माई कमेंट बॉक्स एंड टुडेज गर्ल हुज नेम आई एम गोइंग टू अनाउंस इज प्रिया। प्रिया, वेरी गुड, यू हैव रिटन योर नेम इन माई कमेंट बॉक्स, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो वेरी नाइसली। बाय गाइज़।